यानी कि अब इस बंदे के पास एक्सेस है आपके फोटो वगैरह गैलरी सब चेक करने का, आपका कैमरे का एक्सेस चेक करने का दूर बैठे कहीं, और आप क्या बातें कर रहे हैं वो सब सुनने का एक्सेस आपने इस बंदे को दे दिया। मुबारक हो, आपकी प्राइवेसी की तो ऐस तैसी हो गई। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, आपको क्या लगा कोविड के चक्कर में मैं गायब हो गया, जो अब तक कोई वीडियो नहीं आई मेरी? तो खैर उसका रीज़न ये था कि मैं सर्च कर रहा था स्कैम्स के बारे में और थोड़ी स्टडी स्टार्ट करी इन चीज़ों को जानने के लिए, तो पता चला कि हमारे देश में ये स्कैम बहुत बड़े लेवल पे होते हैं और सिर्फ इंडियंस ही ये स्कैम इंडिया के अंदर नहीं कर रहे, इसमें बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ के लोग भी आप लोगों को टारगेट करते हैं। कहीं वो क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी का आपको लालच देते हैं, तो कभी कभी वो आपको कमीशन बेस्ड जॉब ऑफर का लालच देते हैं और आप लोग इन स्कैम्स में फंस जाते हैं। और सबसे बड़े दुख की बात होती है कि उन लोगों की मदद करने में भी हमारे देश के ही लोग इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि आज का जो मैं स्कैम आपको बताने वाला हूँ गाइस, वो कुछ इसी तरीके का है और सारे एविडेंस दिखाऊंगा मैं आपको कि किस तरीके से उसने कितने लोगों को हमारे देश में फंसा रखा है और कितने बड़े लेवल पे ये स्कैम हो सकता है और किस तरीके से हमारे देश के इनोसेंट लोग इस स्कैम्स में फंस जाते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आप लोगों से मैंने एक छोटी सी मदद मांगी थी कि इन स्कैम्स को रोकने में आप मेरी हेल्प करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन स्कैम्स के बारे में बताइए गाइज, इन वीडियोज़ को शेयर करिए। इस गर्मी में अभी दिल्ली के अंदर 43 डिग्री टेम्परेचर है, मैं कूलर और पंखा कोई यूज़ नहीं कर सकता और रात को 3 बज गए मुझे ये पीपीटी तैयार करने में, इसलिए ये सब कुछ कर रहा हूँ कि आप लोगों के साथ ये स्कैम ना हो, आपके पैसे कोई ना ले जाए। और पैसों से भी बड़ी बात, आज की डेट में लोग अपनी सेविंग्स पे ही सर्वाइव कर रहे हैं और अगर उसे भी कोई ले गया तो फिर आप और आपकी फैमिली कैसे सर्वाइव करेंगे? हो सकता है आप समझदार हो लेकिन ज़रूरी नहीं है आपके साथ हो, ये स्कैम ज़्यादातर उनके साथ होते हैं जब बच्चे अपने पेरेंट्स को, आजकल पेरेंट्स को हम फ़ोन दिला देते हैं, लाइक एंड्रॉयड फ़ोन पर दे दिया पापा को, मम्मी को एंड्रॉयड फ़ोन दे दिया हमने या चाचा वगैरह किसी को भी, अब वो इन चीज़ों से अवेयर नहीं है और इन स्कैम्स के विक्टिम बन जाते हैं। तो उम्मीद करूँगा गाइज आप मुझे सपोर्ट करोगे, मेरी वीडियोज़ लंबी हैं क्योंकि वो डिटेल्स में है, मेरा मेन मोटिव यहाँ पर 2 मिनट की वीडियो बना के यूट्यूब से अपनी वीडियो पे व्यू या सब्सक्राइबर लाना नहीं है या सिर्फ मनी बनाना नहीं है, आप लोगों को अवेयर करना मेरा मोटिव है। तो आप लोगों की अब तक जो सपोर्ट मिली उसकी वजह से हमने लगभग 10 से 12 वेबसाइट्स को डाउन करा दिया है स्कैमर्स की, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है मेरी वीडियोज़ की वजह से डेली 6 से 7 लोग इन स्कैमर्स के चंगुल से बचते हैं। आप लोग ये जाके कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं, लोग खुद कमेंट करके बताते हैं कि सुधीर भाई आपकी वीडियो की वजह से हम लोग इन स्कैम्स में बच चुके हैं। तो आज का स्कैम जो है मैं आपको बताने वाला हूँ, ये स्कैम काफ़ी बड़े लेवल पे हमारे देश में चल रहा है, इसको जो स्कैम को कर रहे हैं हो सकता है वो इंडियंस हों, इंडिया के अंदर के लोग और साथ में इंडिया के बाहर के लोग, दोनों लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। बस बट उनकी किस्मत अच्छी है कि जब लास्ट टाइम मैं उनको ट्रैक कर पाया अपने फ़ोन की मदद से, तो ये जो मेरा फ़ोन है जो आप देख रहे हो ये पूरी तरह डेड हो चुका है, शॉर्ट हो गया, एक्चुअली ये पानी में गिर गया और अब ये बिल्कुल नहीं चल रहा है, इसके अंदर काफ़ी एविडेंस थे जो मैं मिस कर गया, लेकिन अगर ये जल्दी चालू हो जाता है तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूँगा गाइस। बट आज की इस वीडियो को ज़रूर देखिए मैं, लेकिन उस वीडियो को देखने से पहले ये जो आप रिपोर्ट देख पा रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में, इसको केयरफुली पढ़िएगा। चाइनीज हैकर टारगेटेड इंडियंस विद ई शॉपिंग स्कैम्स, ठीक है, मतलब आपके पास बहुत सारे मैसेज आते होंगे कि आज 20 रुपये में चार्जर है, आईफोन 500 रुपये में ऑफर मिल रहा है अमेजोन फ्लिपकार्ट पे, तो वो स्कैम होते हैं सर। आप जानते हो कि कोई भी इंसान 500 1000 रुपये 5000 की चीज़ भी आपको 50 रुपये में नहीं दे सकता और वो 50000 की चीज़ आपको 5 रुपये में दे रहे हैं, तो आपको सोचना चाहिए आपके साथ फ्रॉड चल रहा है, ये जेन्युइन ऑफर्स नहीं हैं। हमेशा URL देखें, मैंने आपको बता रखा है URL कैसे चेक करते हैं, अगर URL amazon.com का नहीं है या फ्लिपकार्ट का ऑफर है flipkart.com का नहीं है, टाटा का ऑफर है tata.com नहीं है, तो उस पर कभी क्लिक ना करें, ठीक है, आपको वो इग्नोर करना है। आपको पता है कि हम दुनिया की top 3 कंट्रीज़ में आते हैं जिनमें स्कैम टॉप लेवल पर चलते हैं, और आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे ही देश के अंदर ये न्यूज़ जो है ये इस देश की है जहाँ आप रहते हैं, खाते पीते नहाते हैं कमाते हैं अपनी फैमिली के साथ सर्वाइव कर रहे हैं, उस देश की है ये। 167 से भी ज़्यादा ऐप हैं जो अभी गूगल प्ले स्टोर जो है उसने डाउन करे हैं फिलहाल, जो क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी मनी मेकिंग के नाम पे आप लोगों से इन्वेस्टमेंट कराते हैं और अचानक गायब हो जाते हैं और आप लोग ढूंढते रहते हैं कि आपका पैसा कहाँ चला गया। अब इसके बाद नेक्स्ट ई कॉमर्स यूज़र स्कैम है ही, व्हाट्सएप पे पार्ट टाइम जो आपके बहुत ज़्यादा आते हैं इसमें, ये हमारे देश से भी आने लगे, देश के बाहर के लोग भी ये स्कैम हमारे साथ करते हैं और लोग फंस जाते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ तो मुझे नहीं लगता इस पे और चर्चा करना ज़रूरी है। अब फाइनल मुद्दे पे बात करें हम, तो ये एक स्कैम है। एक मोहतरमा का मेरे पास मैसेज आता है और वो कहती हैं कि सुधीर
नहीं सॉरी सुधीर, उसको तो मेरा नाम ही नहीं पता एक्चुअली। वो कहते हैं कि डू यू वांट टू कंसल्ट अ पार्ट टाइम जॉब, आपको कोई पार्ट टाइम नौकरी चाहिए रोजगार। मैंने सिंपल लिख के कहा हाँ मैम मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे तो जानना था कि भैया पार्ट टाइम जॉब आप कैसे दे पा रहे हो, हमारे देश में स्कैम तो बहुत चल रहे हैं, डेली न्यूज़ में पढ़ रहा हूँ मैं। तो मैंने क्या करा सर, मैंने बात करी, उनको दिखाया कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, तो मैंने उनको लिखा आई एम नॉट गुड इंग्लिश, मैं अच्छी इंग्लिश नहीं हूँ, सीधी बोल दिया मैंने उनको ये बोलने की जगह कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती, ताकि उनको श्योर हो जाए। बातें शुरू हुई, सामने वाले ने गूगल ट्रांसलेटर यूज़ कराया, इससे एक चीज़ तो श्योर हो गई कि उस बंदे की हिंदी उतनी अच्छी नहीं थी, मतलब कि हिंदी ना होने से ये क्लियर था वो नॉर्थ इंडिया का बंदा नहीं है या साउथ का। अब नेक्स्ट जो डाउट था मेरा, उसने मुझे नेक्स्ट डाउट तो आगे बात करेंगे हम। अब उसने क्या करा, मुझे एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करने को भेजी, लेकिन वो गूगल प्ले स्टोर से मुझे इंस्टॉल नहीं करनी थी, उन्हें थर्ड पार्टी लिंक भेजा, GEHVIP.com करके ये वेबसाइट है, जिसका मेल मैं ऑलरेडी ट्राई यानी टेल कम्युनिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, रेगुलेटिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कर चुका हूँ इस वेबसाइट को मेल करने का, पर बहुत ही दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि अभी तक ये वेबसाइट बैन नहीं हुई है। तो सर इस वेबसाइट से मैंने मैंने क्लिक करा तो रिडायरेक्ट हुआ मैं इस वेबसाइट पर जो आपका डेटा कलेक्ट करने का काम करती है, और जब आप यहाँ रजिस्टर नो करते हो उसके बाद आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होती है एट द एंड, और जब आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तो ये एक्सेस मांगेगी आपकी फाइल्स एंड फोल्डर्स का, आपकी लोकेशंस का, आपके कैमरे का, यानी कि अब इस बंदे के पास एक्सेस है आपके फोटो वगैरह गैलरी सब चेक करने का, आपका कैमरे का एक्सेस चेक करने का, दूर बैठे कहीं और आप क्या बातें कर रहे हैं वो सब सुनने का एक्सेस आपने इस बंदे को दे दिया। मुबारक हो, आपकी प्राइवेसी की तो ऐस तैसी हो गई। अब उसके बाद नेक्स्ट लेवल पर आप जाएंगे तो ये एप्लीकेशन का इंटरफेस दिखाता हूँ एक बार आपको, ताकि आपका ये भ्रम दूर हो जाए कि आप करोड़ों रुपये इससे कमाने वाले हैं। तो ये देखिए, ये वीडियो सिंपल मैंने प्ले कर दी। हाँ मैंने अपना नेट ऑफ करा था, उसका रीज़न था मैं जानना चाहता था ये एक्चुअल में एक एंड्रॉयड वेबसाइट है या ये ऐसी फेक काम चला रहा है बंदा। तो ये देखिए आप यहाँ पे, जब मैंने नेट ऑफ करा तो इस पता चलेगा आपको ये वेबसाइट गायब होगी, और यहाँ इसकी वेबसाइट का URL आएगा एप्लीकेशन में, यानी कि ये इसने क्या करा है, बंदे ने अपनी वेबसाइट को कन्वर्ट कर रखा है किसमें, एक एंड्रॉयड ऐप में। अब वेबसाइट चलनी बंद हो गई, नेट वापस कनेक्ट करा, इसकी वेबसाइट दोबारा शुरू से, एप्लीकेशन मतलब दोबारा चालू होगी। अब इसका इंटरफेस देखिए, ये सप्लाई कर रहा है मेडिकल इक्विपमेंट, पैंडेमिक के टाइम पे पूरी दुनिया में इनकी शॉर्टेज पड़ी है, और ये आपको बोल रहा है हम इसको देंगे और आपको कमीशन देंगे भरपूर मात्रा में, आप भी लालच में आएंगे। गाइस अब मैंने यहाँ रजिस्टर कर लिया, मेंबरशिप नंबर इन्होंने फला फला मुझे दे दिया। अब इसके बाद क्या हुआ गाइस, ये देखिए इनका पर्सनल डेटा, माई टीम, मेरी कोई टीम नहीं है, मैं अपने दोस्तों को, ये मतलब मेरे से चैट में कह रही है अपने दोस्तों को इन्वाइट करिए ताकि भैया मेरे साथ उनका भी काटा जा सके। अब देखिए जब आप यहाँ रिचार्ज पे जाएंगे, अभी मैं रिचार्ज करके दिखाऊंगा आपको, जैसे मैंने करंट बैलेंस करा, मैंने यहाँ लिखा 5,000 रुपये मुझे रिचार्ज करना है। अब ये देखो आप यहाँ पर नोटिस करोगे तो यहाँ पर कोई ऑफिशियल पेमेंट मेथड नहीं है कि आप नेट बैंकिंग से करो, क्रेडिट कार्ड से करो, डेबिट कार्ड से करो, इन्होंने UPI मेथड यूज़ करा, जिससे मैं श्योर एक चीज़ के लिए तो हूँ कि यह ट्रांजेक्शन इंडियन बैंक में ही जा रही है, मतलब पैसे लेने वाला बंदा तो इंडियन है भाई, इसमें तो रत्ती भर डाउट नहीं है आपको, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन आप बड़े लेवल पर ऐसे हवा में नहीं ट्रांसफ़र कर सकते हमारे देश से, उसके लिए RBI ने बहुत ही अच्छे काम कर रखे हैं। अब अमाउंट पेबल 5,000 रुपीज़, SEP777@ICICI। अगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैग देख रहे हैं ना, तो आप ट्विटर पर जाइएगा और ICICI बैंक को टैग करके पूछिएगा सर ये कौन है बंदा जो हमसे पैसे ले रहा है। आप मूवीज़ के लिए ट्विटर पे चीज़ें ट्रेंडिंग कर सकते हो, तो दोस्तों अपने हितों के लिए क्यों नहीं कर सकते, आप ये बात समझिए। बस दिक्कत यह है कि जब आपका पैसा चला जाता है ना, तो उससे आपकी एक की गलती से आपका पूरा परिवार दुखी हो जाता है, और ऐसे गधे लोग उस फ्री फंड के पैसे पे मजे करते हैं, और जब आपका फ़ोन आता है ना तो वो सही में दुखी कर देता है, कई बार मतलब रोना सा आ जाता है कि मैं क्यों कुछ नहीं कर सकता, किसी की मदद क्यों नहीं कर सकता, समझ रहे हो। तो आप मेरी थोड़ी सी मदद करिए, जाके ट्वीट करिए, मेरे लिए नहीं अपने लिए ट्वीट करके पूछिए ये बंदे कौन हैं। अब इसके बाद हम गए आगे पेमेंट मेथड पर, ने वीडियो जो चलाई है ना सर, इस वीडियो को आप ध्यान रखना, यहाँ पे कभी भी कोई जो कंपनी होगी ना वो हमेशा अपनी ऑफिशियल चैनल यूज़ करेगी। मैंने इसका URL कॉपी करा और यहाँ से मैं इसके यूट्यूब चैनल पर पहुँचा, वो कोई GC का ओरिजिनल वो नहीं था, प्लेटफॉर्म नहीं था, ओरिजिनल चैनल नहीं था, वो एक लोकल चैनल बनाया गया था UPI कैश नाम से, मैं भी स्क्रीनशॉट आपको उसका दिखाऊंगा, वीडियो लंबी है पर कोई नहीं, तसल्ली से देखिएगा गाइस। अबाउट अस, चाइनीज़ लैंग्वेज यूज़ करी गई है, इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो इसमें चाइनीज़, ये जो जिसने बना के दिया वो बंदा चाइनीज़ इन्वॉल्व है इसमें कोई, या फिर इसने किसी चाइनीज़ वेबसाइट के थ्रू इसको कन्वर्ट करा है, ठीक है। मेरे को डाउट है इसमें जो बंदे इन्वॉल्व हैं, एक इंडियन हो सकता है, दो बंदे
एक या तो मलेशिया से होगा या फिर एक चाइना से होगा, ऐसा कुछ इसमें इन्वॉल्वमेंट का मुझे डाउट है। कंट्रीब्यूशन सक्सेस, ये सब बकवासबाजी आपने देख ली। अब ये देखिए, इसने सिंपल मुझसे कहा कि सर आप अपने दोस्तों को निवेश मैं बना सकते हैं, मतलब प्रेम शक्ति ऐप है। प्रेम शक्ति का मतलब क्या है? कुछ इसने ऐसा लिखा हुआ है इंग्लिश में जो गूगल ट्रांसलेटर ने जिसका मतलब प्रेम शक्ति समझ लिया गाइस। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये जो सारी बातें कर रहा है ये मुझसे गूगल ट्रांसलेटर की मदद से यहाँ कर रहा है। अब इसके बाद ये नंबर पे मत जाना आप +62, ठीक है? नंबर की भी मैं आपको राज अभी बताऊंगा। यू शुड नो डैट वैन यू लीड मोर फ्रेंड्स टू नो, मतलब जितने लोगों को भी मैं ऐड करूंगा अपने इसमें उतने ही सारे लोग पैसा कमा पाएंगे मेरे साथ और मुझे भी 10 रुपये कमीशन देंगे। अबे सालो इनको भाई, अगर तू देख रहा है ना चमन, अगर तू देख रहा है ना तो एक चीज़ मान, मेरे देश की हालत ऐसी भी नहीं है कि 10 10 रुपये के लिए वो तुम्हारे इन एप्लीकेशन और स्कैम में फंसना शुरू कर दें, ठीक है? अगर तू देख रहा है इस वीडियो को तो। उसके बाद ये देखिए, सबसे पहले आपको इस लिंक के माध्यम से ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। मैंने इसको बोला ठीक है, मैंने कर लिया और वही जो अभी आपको एप्लीकेशन दिखाई थी उसका स्क्रीनशॉट इसको भेज दिया। अब ये देखिए, कंपनी का नाम इनने बताया GC हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है? और ट्रांजेक्शन कहाँ हो रही है ये कंपनी का नाम आ रहा है। इन कंपनीज के एड्रेस भी मैं आपको दूंगा जो इसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे हैं, ठीक है? कि ये पेमेंट लोगों ने ट्रांसफ़र करी है। विकास, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, विकास पनवर 3329@OKG, ये इनकी UPI ID है सर। अगर आप भाई ये वीडियो देख रहे हैं ना तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपके साथ स्कैम हुआ है या नहीं हुआ। इसके बाद इन्होंने ना ये भेजा है कि इसके पास, बंदे के पास पैसे आए हैं पेटीएम बैंक से। सर ये जो आप ये देख रहे हैं ना पेमेंट वॉलेट, ये फ्रॉड है, ठीक है? ये स्क्रीनशॉट फ्रॉड है, ये बनाया हुआ है। ये देखिए नीचे ये देख रहे हो, यहाँ पर डिटेल जो है ना गायब है, यहाँ तो एडिट करी गई, यहाँ कुछ ये देखो इन योर वॉलेट, ये देख रहे हो ब्लरनेस हल्की हल्की, ये इन्हें बनाया हुआ है। ये सारी डिटेल्स जो आप देख रहे हो ये सब बनाया है आपको फ्रॉड करने के लिए, ताकि आप झांसे में आ जाएं। ये सब चीज़ें, ये देखो ये हिस्सा देखो, ये वाला हिस्सा देखो आप यहाँ पे, तो ये गलत है। अगले दिन ही फिर इसको 27 तारीख को 24,000 मिले, अगले दिन ही इसको 28,000 मिल गए। और अब आनी पेमेंट थी GC हेल्थ केयर की तरफ से, पर आ किसकी तरफ से रही है? चैंक्यू टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। इन तीनों कंपनी के सर आपको नाम याद रखने हैं, दो ये एक ये, ठीक है? ये बंदा इंडिया का है जिससे बात हो रही है, लेकिन नंबर ये बाहर का यूज़ कर रहा है, मैं बताऊंगा कैसे कर रहा है। अब इसने एक और दिखाया है कि हमारा कोई रेड्डी जी हैं, उन्होंने पेमेंट करी है 500 रुपये की, रिचार्ज कराए, ठीक है? और किसको कराया उन्होंने? अब ये देखो इस गधे ने ये नहीं सोचा, मैं स्क्रीनशॉट बना के भेज रहा हूँ किसके, इस कंपनी को कराया। इस कंपनी का GC हेल्थ केयर से क्या लेना देना, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोवाइडिंग कंपनी है, सपोर्ट करती है। उसके बाद इसने फिर मुझे एक और भेजा, मनी पेड 100 रुपये का रिचार्ज कराया किसी ने, वो देखो ये रहा UCO बैंक। अब मेरे से एक गलती होगी, बस इस बैंक के बारे में मैंने जानकारी नहीं ली, ये बैंक कहाँ का है, बाकी सारी जानकारी कलेक्ट करी है। उसके बाद सारी की सारी इस बंदे की, मैं जब मैंने इसको पेमेंट करी, मतलब पेमेंट नहीं करी, मैं पेमेंट गेटवे तक गया तो ये देखिए इसकी UPI ID ये आ गई, और रजिस्टर्ड नेम जो इसका दिखा रहा है वो दिखा रहा है गैमबुक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है? अब हो सकता है ये नाम ये आप खुद टाइप करते हैं, ठीक है? तो हो सकता है ये इन्हें खुद टाइप करा हो या जो भी कुछ है, ये इसकी कंपनी का आ गया नाम सर। अब इसके बाद इनने मुझे ये वीडियो भेजी है अपनी। अब यहाँ पे आप ये वीडियो देखिए, जैसे मैं ये प्ले करता हूँ, इसने मुझे बताया पेमेंट कैसे करनी है। इसकी आवाज सुनिए आप ध्यान से, हो सकता है ये बंदा नॉर्थ ईस्ट का हो। अब ये वाला आपने नाम देखा सर, ये जो नाम लिखा आया था यहाँ पे, ये राज कोविड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, अब HAO HAOGAN। सर अब आपको क्या करना है मेरी मदद, अब आपको ट्विटर पे जाना है, फिर पूछना है स्क्रीनशॉट के साथ, सर ये जिस बंदे की UPI ID है आप उसके अकाउंट के ऊपर जांच करवाइए कि वो पेमेंट कैसे और किस तरीके से लोगों से रिसीव कर रहा है। अब एक अगली कंपनी ये इन्वॉल्व हो गई है यहाँ। अभी मैं बहुत चीज़ें बताने वाला हूँ सर आपको, हो सकता है मैं गलती कर रहा हूँ, पर अगर आप में से कोई बंदा लॉयर है सर जो ये वीडियो देख रहा है, लॉयर जो मतलब वकील जो भी कोई है, वो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करना सर, मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पूछनी है, लोगों के काफ़ी क्वेश्चन आ रखे हैं वो भी डील करने हैं। अगर आप में से कोई भी वकील है जिसको 2 3 साल का एक्सपीरियंस है, अच्छी नॉलेज है इस सेक्टर में, तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, हम एक लाइव सेशन रखेंगे जिसमें लोगों के क्वेश्चन हम दूर कर पाएँ। इसके बाद सर ये नेक्स्ट वीडियो देखिए आप इन जनाब की, ये भी इसी ने भेजी है मुझे। अब ये देखिए इसके एप्लीकेशन जो इन्हें इंस्टॉल करी है ना,
ये सारी इंडियन एप्लीकेशन हैं सर, सारी की सारी इंडियन एप्लीकेशन है, सबके फाउंडर इंडियन हैं इन सब के, मैंने सब वेरीफाई करे इसके फ़ोन के। तो ये वाली वीडियो देखिए, अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो ये है, ये जो आप देख रहे हैं, ये सब वीडियो इन्हें ही मुझे भेजी हैं। ये इंडियन बंदा है, आप अगर आवाज़ ध्यान से सुनेंगे तो, भारत इंटरफेस फॉर मनी, कोटैक महिंद्रा में इसका बैंक है और 200 रुपये इसके खाते से कट चुके हैं इस UPI पे जब इनने भेजे हैं। अब ये बेवकूफ़ बना रहे हैं आपको वेरिफिकेशन के नाम पे, जो कह रहे हैं ना 12 डिजिट का आपको डालना है, ये आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ नहीं है सर। अब नेक्स्ट, ये वीडियो का सबूत है कि इसी बंदे ने भेजी है, स्क्रीनशॉट है चैट का सर। मुझे पता है वीडियो 18 मिनट से ऊपर की हो चुकी है, पर आपको देखनी पड़ेगी गाइस पूरी आपके लिए। ये सब भसड़ है रिचार्ज प्रक्रिया, आप किसी दोस्त को शेयर करेंगे आपको 10 रुपये मिलेंगे, 3 लेवल तक कमाएंगे, जैसे इंडिया में MLM नहीं चल रहा कि उसमें MLM में आपको 10 लोगों की सक्सेस स्टोरी तो सुना देंगे, लेकिन 10,000 में से वो 9,990 लोग नहीं दिखाएंगे जो फेल हो चुके हैं, जिन्होंने अपने 5-5, 10-15, 15,000 रुपये दिए और वो 1500 भी नहीं कमा पाए इसमें, उनकी स्टोरी कोई नहीं बताता सर। ये हालत वो है, आपने इंडिया में नए कॉलेज देखे होंगे, उन कॉलेजों के बोर्ड लगे होते हैं, हमारे कॉलेज के इस बच्चे की प्लेसमेंट हुई माइक्रोसॉफ्ट में, इसकी हुई गूगल में, इसकी हुई यहाँ पे। एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एवरेज 60 से 70 बच्चों का इंटेक होता है एक ब्रांच के अंदर। सर आप टोटल आंकड़ा पूछिए उनसे कि 60 बच्चों में से कितने हुए आपके, आप पाएंगे उन 60 में से ना 50 बच्चे नोएडा के कॉल सेंटर में नौकरी कर रहे हैं, सोनीपत और नोएडा के कई कॉलेज में आपको गिनवा दूंगा सर। मैंने जिस कॉलेज से इंजीनियरिंग करी है मैं उस कॉलेज में भी बताऊं तो सर छोड़ो, खैर ये तो अलग बात हो गई, मैं चाहता नहीं उड़ता तीर पकड़ूं कोई, अभी मेरी जॉब ज्वाइनिंग है एक्चुअली, तो मैं चाहता नहीं मेरी ये कोई भसड़ फैल जाए, ज्वाइनिंग रुके मेरी किसी वजह से। खैर आप अपने दोस्तों के निवेश आय बनाने के लिए आमंत्रित करें प्रेम शक्ति ऐप, ये वही रायता फैली हुई भसड़ हो गई, ये इसका नंबर है एक्चुअली, इसका आप याद रखना, इस नंबर से मैसेज आएगा, पर ये नंबर ब्लॉक करवा दिया है मैंने इसका, अब ये नंबर काम नहीं करता, अब इसका नया नंबर सर ये है +55561। तो अब आप बोलोगे सर ये नंबर इसको कैसे मिल रहा है, जैसे ये ब्राज़ील का हो गया, वो इंडोनेशिया या मलेशिया इधर की साइड कहीं का नंबर था, तो ये कैसे मिल रहा है सर? इंटरनेट पे फैसिलिटी मिलती है आपको कि आप इंडिया में बैठे बैठे किसी भी कंट्री का वर्चुअल नंबर ले सकते हैं, फ़ोन नंबर, ठीक है। तो उससे मैं जो भी मैसेज कॉल मेरे पे आएंगी वो मेरे पर्सनल नंबर पर रिडायरेक्ट हो जाएंगी, अदरवाइज किसी दूसरे को मैं कॉल करूँगा तो उसको ये नंबर शो होंगे या मैसेजेस करूँगा, तो इस तरीके से इन लोगों ने ये नंबर ले रखे हैं। अब इनने मेरे को नए दूसरे नंबर से मैसेज करा और बोलती है, यहाँ बोलता है ये लौंडा ही है सर, लौंडिया की पिक्चर लगा के, हर बार एक ही पिक्चर में आएगी क्या लौंडिया, समझ रहे हो, अलग अलग पिक्चर होगी, अब ये भी लिंडा थी, अब तक वो भी लिंडा थी जिससे मैं बात कर रहा था, कहती है मैं लिंडा हूँ सर और आपने रजिस्टर कराया है और ये कुछ आपको जानना है, तो बस टाइम पास करना था मुझे भी वीडियो के लिए। अब इन पहले वाले नंबर की डिटेल लिंडा जी, इनका व्हाट्सएप का जो स्टेटस होता है वो डिटेक्टेड लैंग्वेज चाइनीज है सर, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इसने सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए यहाँ चाइनीज़ लिखा हो या चाइनीज़ सीख रही हो, और चाइनीज़ सीखते हुए इनने जोश जोश में आके स्टेटस लौंडे ने अपना लगा दिया हो, तो हो कुछ भी सकता है पॉसिबिलिटी, पर इसको अगर गवर्नमेंट चाहे तो इस नंबर की मदद से ट्रैक डाउन कर सकती है। और वो जो इतनी ट्रांजेक्शन डिटेल दिखाई मैंने वो, अब ये आगे सर GE हेल्थ केयर के बारे में, एक तो GE हेल्थ केयर ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी पेमेंट को लेकर वार्निंग दी हुई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और ये आ गई इस वेबसाइट का URL क्या है, GEHealthcare.in, और वो जहाँ से एप्लीकेशन दिलवा रहा है GEHVIP.com कुछ करके। अब सर ये तो इतना रायता आपकी समझ में अब तक आ गया होगा कि क्या भसड़ फैली पड़ी है। अब यहाँ आपको समझना पड़ेगा एक और चीज़, ये देखिए GE का लोगो, ऑफिशियल लोगो, और इस गधे ने ये लोगो बनाया है, इससे क्लियर है इसको सर फोटोशॉप की जानकारी नहीं है, इसने इंटरनेट से बनाया हुआ लोगो है, आप गूगल पर सर्च करना ऑनलाइन लोगो मेकिंग वेबसाइट और वहाँ पे GE डालना है, ऐसा लोगो आपको बन के मिल जाएगा। ये जो लोगो है ये बनाया हुआ है और ये लोगो जो है बना बनाया डाउनलोड करा गया है, दोनों चीज़ों में अंतर है। अब देखिए वो यूट्यूब की वीडियो मैंने आपको बताई थी, अगर आपकी मेमोरी अच्छी है और आपको याद है, आपको याद है तो ये रहा देखो इसका यूट्यूब चैनल, UPI कैश नाम से 38 सब्सक्राइबर हैं पर वीडियो पे व्यू 74,000 है, तो इसका सीधा सा मतलब आप समझ लीजिए जनाब, या तो इस वीडियो को ज़्यादा लोगों ने सर्च कर लिया है या फिर इस वीडियो को लगभग इस बंदे ने स्कैम करने के लिए इतने लोगों के साथ फ्रॉड करा है, दो केस बनते हैं, क्योंकि इस वीडियो के लाइक डिसलाइक इनने दोनों हाइड कर रखे हैं, ठीक है, 38 सिर्फ सब्सक्राइबर हैं और व्यू इतने सारे हैं, अगर ओरिजिनल व्यू जेन्युइन 74,000 व्यू होते
तो इसका मतलब आप समझिए इसके सब्सक्राइबर जो हैं यहाँ पे कम से कम 74,000 व्यू पे 800 या 500 सब्सक्राइबर होते होते सर ये अटल है। कमेंट भी इनने ऑफ कर रखे हैं ताकि लोग अगर यहाँ तक पहुँच जाएँ तो कोई कमेंट करके अवेयर ना कर सके। ये एक और इन्फॉर्मेशन मिली आपको मेरी तरफ से। अब वो कंपनीज की बात कर लेते हैं जिनके मैंने सॉरी एप्लीकेशन जो इसके फॉर्म में पड़ी थी। एंजल ब्रोकिंग है, विनय अग्रवाल महाराज हमारे दिल्ली के ही हैं सर जी, ठीक है। ये सारे इसकी सब्सिडरीज वगैरह हैं जो इसके फ़ोन में इन्हें इंस्टॉल करे हुए हैं। जैव आईटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, ये भी एक एप्लीकेशन है इंडियन नाम से सारे इसके भी। डिजी लॉकर, इसके फ़ोन में डिजी लॉकर पड़ा था। अगर ये इंडियन बंदा नहीं है तो सर डिजी लॉकर इसके किस काम का? डिजी लॉकर तो हमारे इंडियन डॉक्यूमेंट दिखाता है, तो सर डिजी लॉकर क्यों ये इंस्टॉल अपने फ़ोन में यूज़ कर रहा है? इसका मतलब ये बंदा इंडियन है, आप ये मान के चलिए ये बंदा इंडियन है जो स्कैम कर रहा है लोगों के साथ। सर सारी डिटेल ये आ गई इसके फ़ोन की बारीकी से अगर देखा। उसके बाद कंपनीज जो इन नाम यूज़ करें, अब देखो मैं नहीं जान पाता क्या लिंक है, मैं सही हूँ या गलत हूँ, पर मैं जानना चाहता हूँ कि रायता क्या फैला पड़ा है, भसड़ गया है। जिन जिन कंपनीज को इनने ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ करा वो रे नाम, ये ए फ्लो टेक्नोलॉजी, बेबी बाय बाय स्टोर, जो भी लिखा है पढ़ लो आप। अब पहली चीज़ आपको नोटिस करनी है, इनक्रो इनकॉर्पोरेट 30 जनवरी 2021, इनकॉर्पोरेट 6 अप्रैल 2021, इनकॉर्पोरेट 7 अप्रैल 2021। चलो हो सकता है ऐसा कि सब 2021 में ही खुली, कोई नहीं। कंप्यूटर रिलेटेड सर्विस, कंप्यूटर रिलेटेड सर्विस और कंप्यूटर रिलेटेड एक्टिविटीज़, फॉर एग्जांपल कट गया यार मुझसे, मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट ऑफ अदर फॉर्म्स, क्रिएशन मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन अदर फॉर्म। एक बात बताओ यार, तुम अगर एक कंपनी खोलते हो मेडिकल हेल्थ केयर की, तो उसको आप भारत सरकार के अंडर में कैसे रजिस्टर कराओगे? मेडिकल हेल्थ केयर के अंदर कराओगे या बोलोगे हम आईटी सर्विस प्रोवाइडर कराते हैं, किस कैटेगरी में कराओगे? ये तो आप भी जानते हैं सर, ये मैं इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, तो सर आपको कम से कम कमेंट में अपना फीडबैक तो देना ही चाहिए, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना सर। इस वीडियो को शेयर तो करना आप, लाइक कमेंट सब भाड़ में गया, शेयर करना ताकि ये किसी के साथ स्कैम ना हो सके, ठीक है। उसके बाद इनके एड्रेस, गुरुदेव हरियाणा, कर्नाटका, बेंगलोर, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अब मेरे को डाउट था ये चाइनीज़ है, मैंने इससे चाइनीज़ पे बात करनी शुरू करी, इसका मैसेज आने लगा। 11:39 पे मैंने मैसेज करा, 11:40 पे आ गया नेक्स्ट मैसेज, फिर इसका आया। मैंने पूछा, इससे पूछा था कि आपको समझ में आ रहा है ये, मतलब आपको चाइनीज़ नहीं आती है मुझे लगता है, तो इन्होंने कहा मैं देखती हूँ और मैं चेक करके बताती हूँ कि ये चाइनीज़ लैंग्वेज है। तो इसका मतलब इसको चाइनीज़ नहीं आती, क्योंकि हर रिप्लाई में इन्होंने 1 मिनट का डिले लिया है। 1 मिनट का टाइम काफ़ी होता है गूगल ट्रांसलेटर पर जाके ट्रांसलेट करने के लिए। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर फिर ये यूज़ करा, यहाँ पर नाम ये भी यूज़ करा। तो ये सारे मैसेज आप मेरे पढ़ लेना, ठीक है। ये मैंने इसको डिटेल भेजे, और जैसे ही मैंने ये सारी इसको जी हेल्थ केयर की डिटेल भेजी, इनने मुझे ब्लॉक कर दिया। एक्चुअली इसकी नहीं भेजी, इन कंपनीज की डिटेल भेजती, मुझे इनने ब्लॉक कर दिया तुरंत। अब मैं समझ गया था, जो मेरा डाउट था वो कंफर्म हो गया। खैर जी कैरियर कैरियर्स के वालों के लिए फ्रॉड है, फ्रॉड अलर्ट है सॉरी, कि जी विल नेवर आस्क फॉर पेमेंट टू प्रोसेस डॉक्यूमेंट रेफर यू टू अ थर्ड पार्टी टू प्रोसेस एप्लीकेशन और वीज़ास और आस्क यू टू पे cost, never send money to any suggesting they can provide employment with GE if you suspect you have received a fraudulent offer, please fill out the form below. GE takes this matter seriously and is working closely with the appropriate authorities to effectively address the issue. But भाई सब चू बनाते हैं आपका, मैंने इसमें 3 फॉर्म भर दिए अब तक, इन्होंने कोई रिस्पॉन्स लिया इस बंदे के ऊपर? समझ रहे हो, ये बंदा मजे से स्कैम कर रहा है अभी तक। आज भी इसका नया नंबर चालू है, इन्हें 3रा नंबर ले लिया। आप रजिस्टर करोगे एप्लीकेशन पे, फिर आप पे मैसेज आने शुरू हो जाएंगे, और आप नहीं भी करोगे तो ये रैंडमली नंबर अगर आपका आ गया तो, या इस टाइम भी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ बंदे इसके विक्टिम बन रहे होंगे। और इसके साथ ये हो गई ख़त्म। तो गाइज उम्मीद करूँगा ये वीडियो किसी ना किसी रूप में आपके लिए हेल्पफुल रही है, अगर हाँ तो मुझे सपोर्ट करें मत करें, पर अपने और अपने आसपास के लोगों को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को शेयर करिए। सेफ रहिए, कोई भी ट्रांजेक्शन अनऑफिशियल वेबसाइट या अनऑफिशियल एप्लीकेशन पे मत करिए।
50 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये के लिए अपने और अपने घर वालों की प्राइवेसी को खतरे में मत डालिए, क्योंकि जब आप कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन क्रिएट अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं तो आप ऐसे मानिए कि अपने घर के गेट खुले छोड़ देते हैं किसी भी व्यक्ति के आने जाने के लिए। चाहे अब आप उस टाइम अपने बाथरूम में नहा रहे हों या रसोई में खाना बना रहे हैं या बेडरूम में सो रहे हैं, कोई भी बंदा अंदर डायरेक्टली तीनों में से कहीं भी पहुँच सकता है। बात छोटी सी है, उम्मीद करूँगा आपकी समझ में आ गई होगी। डायरेक्टली कुछ शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहता क्योंकि ज़्यादातर व्यूअर हो सकता है सीनियर सिटीजन है या अंडर 18 है। पर अपना ध्यान रखिए गाइस। बाय बाय, टेक केयर।